मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और मैं जंतर मंतर पर दिखा दूँ, हमारे साथ में इस समय मौजूद राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने 2014 में जो है नोटा दबाइए उस पर जो है मिशन चालू किया था, और अभी तक वो मिशन चल रहा है इनका। आइए जानते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ा है और आगे चल के इससे जो राजनीति है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, समाज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपने जो नोटा मिशन चलाया है 2014 में, क्यों आवश्यकता पड़ी आपको नोटा मिशन की? देखिए, हम मूलतः आरक्षण मुक्त भारत और SC ST एक्ट मुक्त समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आरक्षण विरोधी हैं, और आरक्षण विरोधी होने के कारण आरक्षित सीटों पर नोटा दबाना हमारा दायित्व है, इसलिए कि कोई भी दलित वर्ग का नेता हमारी बात सदन में नहीं उठाता है, वोट हमारा लेता है, और हमारे खिलाफ़ जब सदन में कानून बनते हैं तो उसमें वो तालियां बजाता है। इसलिए हमारी बात जब वो नहीं करता है तो हम उसे वोट क्यों दें? जब वहाँ हमें वोट देने का अधिकार नहीं है, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, इसलिए हम वहाँ नोटा का दबाव बनाते हैं और नोटा चलता है। इसका बहुत बड़ा फायदा मिला पिछले दिनों, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये तीन सरकारों को हमने गिराया। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हुआ, जहां 20-20, 25-25 तक सीटें हमारे नोटा ने हराया। नोटा अगर 10,000 दबा हुआ है तो 1500-5,000 से प्रत्याशी जीतता है, जिसका मुख्य कारण होता है नोटा, जिसके कारण वो प्रत्याशी हारता है। बिहार चुनाव हुआ है, बिहार में संसदीय चुनाव में 5,00,000 नोटा का वोट गिरा था। इस बार विधानसभा के चुनाव में 7,52,000 वोट गिरा है, जिसका मूलतः हम रोज प्रगति पर हैं, और आगामी दिनों में आरक्षित सीटों पर नोटा और सामान्य सीटों पर आरक्षण विरोधी प्रत्याशी, ये हमारा ऐलान है और हम इससे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, आपने जो नोटा मिशन चलाया है वो कहाँ से पहली शुरुआत करी थी? आप मूलतः गोरखपुर के रहने वाले? गोरखपुर के हैं। तो क्या आपने गोरखपुर से ही शुरुआत करी थी? नहीं, इसी जंतर मंतर पर उस समय इंडियन सवर्ण समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजन त्रिपाठी गोरखपुर के हैं, हमने ही पार्टी रजिस्टर्ड करवाई थी। डॉक्टर संजन त्रिपाठी के नेतृत्व में इसी जंतर मंतर पर इसी स्थान से हमने 2012 में घोषणा की थी, जब यह नोटा का आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटा को दिया है, तो उस समय हमने यहीं से नोटा का ऐलान किया था, और तब से मिशन 131/1225 चल रहा है। इस समय यूपी में पंचायत चुनाव चल रहा है, उस पंचायत चुनाव में हम आरक्षित सीटों पर नोटा के लिए वॉल पेंटिंग करा रहे हैं, और यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है, यहाँ भी सभी लोगों से मैंने अपील किया है कि वो अपने अपने यहाँ जाएँ, और यूपी और उत्तराखंड में चुनाव एक साथ होने वाले हैं, आरक्षित सीटों पर नोटा के लिए जगह जगह वॉल पेंटिंग कराएं, और वॉल पेंटिंग कराने में अपील करें कि हर सामान्य वर्ग का लोग, जो देश की 50 करोड़ जनता है पूरे देश में, जो चुनाव नहीं लड़ सकती अपने क्षेत्र से, तो वोट क्यों दे, इस सवाल के साथ नोटा का बटन दबाए। आपको लगता है नोटा दबाने से क्या फ़ायदा होगा? नोटा दबाने से, नोटा एक विरोध का प्रतीक है, पूरे देश में यह संदेश जाए कि पूरा सवर्ण समाज इस समय आरक्षित सीटों पर नोटा दबा रहा है। कई वोटों को जो है खराब करवा रहे हैं सर। नहीं 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 नहीं, आप खराब, जिसे आप खराब कहती हैं, अगर खराब होता तो सुप्रीम कोर्ट क्यों कहता कि जो विरोध, नोटा का मूल उद्देश्य है कि न हमें प्रत्याशी पसंद है, न मुझे पार्टी पसंद है, न पार्टी की नीतियाँ पसंद है, इसलिए हम नोटा दबाते हैं। क्यों, जब वोट होते हैं सर तो कितना पैसा लगता है उसमें? क्या हुआ उससे, हमसे क्या लेना देना? जब इस तरीके से बहिष्कार होगा पार्टियों का तो कहीं ना कहीं नुकसान आखिर हमें ना, ना 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 ना, जब पार्टियों का बहिष्कार होगा, इन नेताओं का बहिष्कार होगा, तभी तो सदन में ये आवाज उठाएगी कि आखिर ये नोटा क्यों दबता है इतना। पूरा विश्व जानेगा कि भारतवर्ष में आरक्षण को लेकर के या SC ST एक्ट को लेकर के इतना बड़ा विरोध पैदा हुआ है। इस सवाल का जवाब, जैसे आज किसान आंदोलन है तो ब्रिटिश की संसद में उठ रहा है किसान आंदोलन, वैसे ही जिस दिन आरक्षित सीटों पर नोटा दब गया, उस दिन पूरे विश्व में ये सदन में उठाया जाएगा। सर ठीक है, मैं आपकी बात काटना चाहूँगी यहीं पर। आप कह रहे हैं नोटा से जो है बहिष्कार होगा पार्टियों का, ठीक है, आप
नोटा की जगह ईवीएम पे क्यों नहीं कर रहे हैं काम? ईवीएम पे हमारी मांग है, हमारी पांच मांगे मूलतः है। सबसे पहली मांग है आरक्षण मुक्त भारत, दूसरी मांग है एससी एसटी एक्ट मुक्त समाज, तीसरी मांग है जनसंख्या नियंत्रण कानून, चौथी मांग है भारत में सैनिकों को शहीद का दर्जा दिया जाए, और पांचवी मांग है कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ये पांच हमारी मांग है, इससे पांच के बाद छठवीं मांग मेरे पास है या नहीं है। तो सीधा सीधा ये कहना है आपका, इससे जो फर्क पड़ेगा नोटा से वो कहीं ना कहीं आरक्षण पे फर्क पड़ेगा। जी हाँ, आरक्षण से पीड़ित आदमी ही नोटा दबाएगा, बाकी कोई नहीं दबाएगा। समाज में जो गृह युद्ध की संभावना बन रही है एससी एसटी एक्ट को लेकर के, इससे पूरा देश पीड़ित है, पूरा समाज पीड़ित है। आज के 50 साल बाद पूरे तौर पे राइट होगा, राइट। चंद कहते हैं ना, चंद सवर्ण हैं, बाकी सब नहीं। ब्राह्मण चंद नहीं है सवर्ण, ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया भूमिहार सैयद सिख पठान बंगाली पंजाबी मरवाड़ी सिंधी सब में सवर्ण है। कुल मिलाकर के नियर अबाउट 47% सवर्ण है, जिनका डाटा गलत दिया जाता है। ये डाटा गलत पेश करती है सरकार, सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ नहीं है। 27% आरक्षण दिया, 22.5% आरक्षण दिया, इसलिए लगता है कि सभी सवर्ण एकजुट होकर के नोटा दबाएंगे। हाँ, एकदम दबाएंगे, हम निरंतर प्रगति की ओर है। हाँ, सरकारें हिल रही हैं। अभी एक बार ये आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग जा करके अपील किए थे कि अपने अपने कार्यकर्ताओं से कि जा करके जनता में बताओ कि नोटा न दबाएं। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में सिर्फ जनता से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सामान्य सीटों पर यदि आरक्षण विरोध का प्रत्याशी खड़ा हो तो वहाँ वोट करें आरक्षण विरोधी प्रत्याशी को, अन्यथा वहाँ भी नोटा दबाएं, और आरक्षित सीटों पर 100% सवर्ण नोटा दबाएं, जहाँ देश की 50 करोड़ जनता का अधिकार नहीं है, उस अधिकार को लेने के लिए आरक्षित सीटों पर जहाँ हम चुनाव नहीं लड़ सकते वहाँ हमें वोट दें। हम क्यों वोट दें? इस सोच के साथ नोटा दबाएं, नोटा दबाएं, नोटा दबाएं। धन्यवाद सर।